हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस ओल्ड शर्ट से ये वाली डिज़ाइन। हम इसको कॉपी करेंगे इस ओल्ड शर्ट से। सो सबसे पहले हम इस शर्ट्स की स्लीव्स को अलग कर लेंगे कट करके। सो गाइस, यहाँ पे स्लीव्स को अलग करने के बाद यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें इंची टेप को रखना है एंड इसके यहाँ पे हम 4.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ से इसके आर्मोन के लिए हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये देखिए, जहाँ पे ये शर्ट की लाइन होती है ऊपर वाली, यहाँ से हमें इंची टेप को 6 रखना है एंड यहाँ से हम इसके आर्मोन की डिज़ाइन दे देंगे इस तरीके से। एंड देखिए, हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। हम इसको कट करेंगे, पहले हम यहाँ से इसको कट करेंगे, सिर्फ यहाँ तक ही हमें ऊपर से इसको कट करना है। नीचे वाली साइड को हमें कट नहीं करना है अभी, हमें बस ऊपर वाली साइड को इस तरीके से कट कर लेना है। एंड गाइस, यहाँ तक कट करने के बाद हम नीचे वाली साइड पे हाफ इंच का मार्क करेंगे यहाँ पे एंड हाफ इंच बाहर निकालेंगे एंड यहाँ पे भी हम आर्मोन की शेप दे देंगे एंड अब हम यहाँ से भी इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद हम शर्ट की बैक साइड से शर्ट को इस तरीके से बिछाएंगे एंड यहाँ पे जहाँ पे हमने आर्मोन की कटिंग की है बिल्कुल यहाँ पे पहले हम यहाँ पे पिन से सिक्योर कर देंगे एंड यहाँ से जहाँ से हमारी आर्मोन की कटिंग हो रही है इस तरीके से हम मिलाते हुए कॉर्नर तक लाइनिंग लगा लेंगे। एंड इसको भी कट कर देना है। सो गाइस, इस तरीके से कट करने के बाद हम सेकेंड साइड से यहाँ पे इसको भी कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको कट करेंगे सीधा। यहाँ से कट करने के बाद हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट दो पार्ट में हो जाएगा, बिल्कुल अलग नहीं होगा, शोल्डर से जॉइंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है एंड ये वाला हमारा बैक पार्ट है। तो हम इसको इस तरीके से बिछाएंगे एंड यहाँ पे पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से पिन लगा के सिक्योर करने के बाद हम एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम बैक पार्ट की भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। दोनों साइड से कटिंग करने के बाद ये हमारी शर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो हम यहाँ से इसकी कॉलर को ऊपर से अलग कर लेंगे एंड इसी के साथ हम यहाँ से मार्क कर लेंगे किनारे तक जो भी आ रहा है। यहाँ पे मार्क करने के बाद हम सेकंड साइड से भी मार्क करेंगे एंड दोनों साइड से हम इक्वल मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से भी मार्क कर लेंगे तो हमारा दोनों साइड से ही 25 इंच आ रहा है एंड यहाँ से हम मार्क्स को मिलाते हुए सीधी स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे एंड एक बार हम यहाँ से भी दोनों को मेजर कर लेंगे कि बीच से भी हमारी मार्किंग सीधी है, इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारा 27.5 आ रहा है एंड यहाँ से भी हमारा 27.5 आ रहा है। तो हम यहाँ से नीचे से कट कर लेंगे एंड साथ ही में हम ऊपर से जो बताया था वहाँ से हम कॉलर को भी अलग कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ऊपर से कॉलर को भी अलग कर लिया है एंड ये देखिए इस तरीके से कॉलर ओपन हो गई है। तो यहाँ पे हम ऊपर से टॉप स्टिच लगा देंगे पूरी कॉलर में। सो फ्रेंड्स, नीचे की गैदरिंग्स के लिए अब हम यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स थी इनका यूज़ करेंगे। तो हमें हमारी स्लीव्स ले लेनी है एंड आगे से जो ये मुड़ी हुई साइड है इसको हम कट करके अलग निकाल लेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ से मेजर करेंगे। यहाँ से 4 इंच आ रही है तो यहाँ पे भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे एंड सेंटर से भी हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे एंड इस तरीके से 4 इंच पे मार्क करने के बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे एंड इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ से इसके सेंटर से भी इसको कट करके 2 पार्ट्स में कर लेंगे एंड सेम इसी प्रोसेस से हम सेकंड वाली स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे एंड यहाँ से इस तरीके से कट करने के बाद हम यहाँ से जो ये है इसको भी कट करके निकाल लेंगे एंड इन स्लीव्स को इस तरीके से दोनों की सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ रखेंगे एंड पिन लगा के सिक्योर करेंगे एंड यहाँ से स्टिच करेंगे। सेकंड को भी हम इस तरीके से पहले तिरछा कट करेंगे एंड यहाँ पे भी हम तिरछी पे तिरछी रख के कट करेंगे एंड दोनों की सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ करेंगे, पिन लगा के सिक्योर करेंगे एंड यहाँ पे भी हम स्टिच कर लेंगे इसको।
एंड सेम इसी प्रोसेस से हम इसको पूरी को स्टिच करके एक पट्टी बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। मैंने इसके टू साइड को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है एंड वन नीचे वाली साइड को भी हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लिया है पूरे में। तो हमने बेसिकली इसके थ्री साइड को स्टिच कर लिया है। ऊपर की तरफ हम एक स्टिचिंग लगाएंगे गैदरिंग्स के लिए, तो हम यहाँ पे स्टिचिंग लगा लेंगे गैदरिंग्स के लिए। साथ ही हम यहाँ पे जो हमारी शर्ट है इसमें भी फिटिंग की स्टिचिंग लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गैदरिंग्स के लिए मैंने स्टिचिंग लगा ली है एंड यहाँ पे हमारे पास टू थ्रेड हैं ऊपर और नीचे वाली। तो हम इनमें से कोई भी एक थ्रेड लेंगे एंड इसको इस तरीके से खींचेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें गैदरिंग्स आ जाएंगी। तो हम इसको इस तरीके से खींचेंगे एंड इसको पीछे की तरफ करते रहेंगे जो भी इसमें गैदरिंग्स आ रही हैं। एंड इसी तरीके से हम इस पूरी पट्टी में गैदरिंग्स डाल के इसको तैयार कर लेंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पूरी पट्टी में गैदरिंग्स डाल के इसको तैयार कर लिया है एंड इसको अब हम हमारे जो शर्ट है इस पर अटैच करेंगे। तो हमें इसमें इस तरीके से शर्ट पे अटैच करना है शर्ट की, एंड जो हमारी गैदरिंग्स वाली पट्टी है इन दोनों की सीधी वाली साइड को हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे जॉइंट से जॉइंट मिलाएंगे एंड इस तरीके से इसको रखेंगे एंड यहाँ पे पिन लगा के इसको सिक्योर कर देंगे। एंड यहाँ पे आप पूरी शर्ट पे इसको पिन लगा के सिक्योर करके मेजर कर लें कि आपकी पट्टी पूरी शर्ट पे अच्छे से जॉइंट हो रही है या नहीं। एंड इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमने शर्ट से हमारी गैदरिंग्स वाली पट्टी को अटैच कर लिया है, साथ ही में टॉप स्टिच भी लगा ली है एंड अब हम इसके आर्मोन्स को तैयार करेंगे। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी पट्टी ले लेनी है एंड यहाँ पे हमें इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से उल्टा रख के स्टिच कर लेना है। फर्स्ट हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे एंड इस तरीके से स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम इस पट्टी को यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे एंड इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये ड्रेस बनके तैयार होता है। हमने यहाँ पे इसके तरीके से यहाँ पे इसमें बेल्ट अटैच नहीं किया। अगर आपको बेल्ट अटैच करना है तो जो कॉलर पची है उस पर से हम पट्टी निकाल के यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे को इसको इसी तरीके से वेयर करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।